1546 में आज ही के दिन डेनमार्क के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ टैको ब्राहे का जन्म हुआ था। उन्होंने जर्मनी से अपनी पढ़ाई पूरी की और लंबे शोध व अध्ययन के बाद एक नए तारे की खोज की। कुछ दिनों के बाद डेनमार्क की सरकार ने वोन नामक छोटे से द्वीप को उन्हें प्रयोगशाला बनाने के लिए दे दिया। टैको ने वहां पर प्रयोगशाला का निर्माण किया और 20 वर्षों तक अथक प्रयास के बाद उन्होंने इस प्रयोगशाला को आधुनिक बनाया। उन्होंने प्रयोगशाला के निर्माण में उपकरणों का प्रयोग बड़ी ही सूक्ष्मता से किया और कैपलर और अन्य खगोल शास्त्रियों के लिए नए तारों की खोज के लिए मार्ग प्रशस्त किया। में आज ही दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम का निधन हुआ था। वह सर्वसम्मति से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। साल 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर बनाया। उन्हें गुजरे हथियारों से लैस गैर प्रशिक्षित 19,000 सिपाहियों के बलबूते आधुनिक शस्त्रों से लैस ब्रिटिश सैनिकों से लोहा लेना था। वॉशिंगटन ने विद्रोह पर उतारू वेतनहीन रंगरूटों में यह कहकर मनोबल और साहस का संचार किया कि जब तक जीत नहीं होती वह वेतन की एक भी पाई नहीं लेंगे। लॉन्ग आइलैंड में हार से निराश हुए बिना क्रिसमस की रात बर्फीली डेलवेयर नदी पार की और ट्रेंटन और प्रिंस टाउन पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेनापति कार्नवालिस ने आखिरकार यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद वॉशिंगटन को संयुक्त राज्य का राजा बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन वॉशिंगटन लोकतंत्र के हामी थे। साल 1789 में सर्वसम्मति से वह राष्ट्रपति चुने गए। इस पद पर उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, जिसके बाद 67 साल की उम्र में गले में इन्फेक्शन से माउंट वर्टन में उनकी मौत हो गई। 1924 में आज ही दिन हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म हुआ था। राज कपूर को अभिनय विरासत में मिला था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने समय के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता थे। राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रंजीत मूवी कॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू किया। राज कपूर की फिल्मों में मेरा नाम जोकर, श्री 420, आवारा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, पापी, आह धुन, बूट पॉलिश ने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई। राज कपूर की फिल्मों के कई गीत बेहद लोकप्रिय हुए, जिनमें मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, ए भाई जरा देख के चलो और जीना इसी का नाम है सबसे ज्यादा मशहूर हैं। 24 साल की उम्र में अपना प्रोडक्शन स्टूडियो आरके फिल्म्स शुरू किया और इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर बन गए। कहा जाता है कि राज कपूर की फिल्मों को तत्कालीन सोवियत संघ और चीन में काफी पसंद किया जाता था। मनोरंजन जगत में राज कपूर के अपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1995 में आज के दिन बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने पेरिस में डेटन संधि पर दस्तखत कर 3.5 साल से जारी बालकन युद्ध को समाप्त किया था। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया था, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। मुस्लिम और क्रोएशियाई आबादी वाला हिस्सा देश के 51% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग था। सर्बिया के नेता स्लोबोदोन मिलोसेविच, क्रोएशिया के फ्रांजो तुजमैन और बोस्निया के इलिजा इजेतबिगोविक ने यूरोपीय राज्याध्यक्षों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बोस्निया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जहां गृह युद्ध में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई लाख लोग बेघर हो गए थे। हालांकि समझौते की अगुवाई कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि अब यह तीनों नेताओं और वहां के निवासियों पर निर्भर है कि वो शांति कैसे सुनिश्चित करते हैं। और 2001 में भारत सरकार ने आज ही के दिन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसके बाद 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करना, पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए नियम बनाना आदि शामिल था। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का मकसद लोगों को ऊर्जा के महत्व के साथ साथ ऊर्जा की बचत के बारे में जागरूक करना है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके ऊर्जा की बचत करना। ऊर्जा के संरक्षण में ऊर्जा के कम या न्यूनतम उपयोग पर जोर दिया जाता है और इसके अत्यधिक या लापरवाही पूर्ण उपयोगों से बचने के लिए कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे साल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में साल भर में लगभग 300 दिनों तक तेज धूप खिली रहती है।
भारत भागशाली है कि सौर ऊर्जा के लिए खिली धूप, उपलब्ध भूमि परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम का अथाह भंडार और पवन ऊर्जा के लिए लंबा समुद्री किनारा उसके पास नैसर्गिक संसाधन के तौर पर उपलब्ध है।